आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी। आप लोग बताइए कौन है आखिर? बाद में तो मैं बताऊंगा ही, और विस्तार से हम लोग इस पर बात भी करेंगे। इनके कुछ विचार हैं, उन्हें आप लोग पहले सुन लीजिएगा। विजय हमेशा युद्ध जीतना नहीं होती है, लेकिन उसमें विजय है जब आप हर बार गिरकर उठ जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इनका मतलब है कि अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें हार जाते हैं, तो ये आपकी हार नहीं कहलाती है। अगर आप लोग वहां से उठते नहीं हैं, दोबारा लड़ने के लिए नहीं उठते हैं, तब आप बाकी में हारे कहलाएंगे। अगर आप गिर जाते हैं या आपकी असफल हो जाते हैं, फिर आप खड़े हो जाते हैं, तो ये आपकी हार नहीं कहलाएगी। एक दूसरा इनका वो एक विचार और भी है कि अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है, आप भी जानते हैं कि अभी हमारे देश में हो या किसी भी देश में हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, या किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए आप लोग, उनसे बेहतर देश को चलाने वाले इस देश में कई हैं। लेकिन आप देखिए, उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो उस पद पर पहुंच पाए। यानी कि आपके पास काबिलियत तो है, लेकिन अवसर ही नहीं मिल रहा है आपको। या ऐसे इस तरह से आप लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए आप अच्छे खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट के, और आप हो सकता है कि विराट कोहली से अच्छे खेल सकते हैं, लेकिन आपको खेलने का मौका तो मिले, तब तो आप अपनी काबिलियत बता सकते हैं कुछ। एक और इनका कथन है, मौत कुछ भी नहीं है लेकिन हार कर लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है। एक और इनका विचार है, राजनीति में कभी पीछे ना हटे, कभी अपने कहे शब्द वापस ना लें, और कभी अपनी गलती ना माने। और इनका एक विचार देख लीजिएगा, यदि आप 100 शेरों की एक सेना बनाते हैं और जिसका सेनापति एक कुत्ता है, तो ये युद्ध में सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और वहीं आप यदि आप 100 कुत्तों की एक सेना बनाते हैं जिसका सेनापति एक शेर हो, तो सारे कुत्ते युद्ध में शेर की तरह लड़ेंगे। इसका मतलब भी आप लोग किसी भी तरह से लगा सकते हैं। अफगानिस्तान का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। आपने देखा है कि राष्ट्रपति ही एक तरह से देश छोड़ के भाग गए। आप सोचिए, अब सेना वहां क्या करती है? सेना ने वैसे ही हथियार डाल दिए। और आप समझिए कि अगर वहां के सैनिक कमजोर होते, वहां का जो लीडर था वो ताकतवर होता, अपनी ताकत दिखाता, तो उनके सैनिकों में भी जोश आता, वो भी लड़ते, कम से कम कुछ जगह तो रोकते उन्हें। आपने देखा है कि तालिबानों ने आराम से कुछ ही दिनों में पूरा पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लगता है कि इन्हें आप लोग जानते होंगे। ये कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक टोपी मिली हुई है, डीएनए साक्ष्य पूर्वावलोकन द्वारा खोजी गई एक नई टोपी, जो यह प्रमाणित करती है कि यह नेपोलियन बोनापार्ट की है, और इसे हांगकांग की एक नीलामी घर में प्रदर्शित किया गया है। अगर हम लोग इसकी कीमत की बात करें, तो आप देखेंगे 1 लाख से 1.5 लाख पाउंड बताई जा रही है इसकी कीमत। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी टोपी भी इतनी महंगी बताई। नेपोलियन बोनापार्ट के अगर हम लोग जन्म की बात करें, तो 15 अगस्त 1769 को कोरसिका, ये जो भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था इनका जन्म, और उसे नेपोलियन 1 के नाम से भी जाना जाता है। और यह फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की है। आप खुद सोच लीजिएगा, अगर कुछ तो काम रहे होंगे, किसी भी कारण से आप इनकी इतनी टोपी महंगी बिक रही है, तो बैकग्राउंड में कुछ तो मामला होगा। अभी आप देखते हैं कि गांधी जी के चश्मे की कीमत लगाने की बात होती है, कई दूसरी तरह की आप देखते हैं सोच रखते हैं।
जो नाथूराम गोडसे की पिस्तल बिकने की बात करते हैं, और आपके कई नेता इस तरह की बात करते रहते हैं कि जो जितने पैसे देगा पिस्तौल खरीदने के लिए उतना ही वो बड़ा देशभक्त हो सकता है, ये दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं। और हो सकता है, पता नहीं, आगे आने वाले समय में ऐसा हो भी जाए। वर्ष 1804 में इसने स्वयं को सम्राट घोषित किया और 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर इसका इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर उदय की बात करें हम लोग, तो फ्रांसीसी क्रांति तो आप सभी जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेना के स्थापित रैंकों के माध्यम से शीघ्रता से पदोन्नत हुआ, यानी कि पदोन्नति मिली, यानी कि वो आगे बढ़ा। उसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 की संतान माना जाता है। एक सुदूर वाम राजनीतिक आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय राजनीतिक क्लब के एक युवा नेता के रूप में उसने तत्परता से जेकोबिन्स के लिए अपना समर्थन दिखाया। वह फ्रांसीसी क्रांति युद्ध में लड़ा और 1793 में ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नति मिली। तो एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आप देखेंगे कैंपो फॉर्मियो की संधि, ये 1797 में होती है। उत्तरी इटली में ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ जीत के बाद उसने कैंपो फॉर्मियो की संधि पर विचार किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पीटी में कई बार पूछ लेता है, तो इन्हें संधियों को भी याद रखिए। नील नदी का युद्ध, ये 1798 की बात है। उसने मिस्र को जीतने का प्रयास किया, लेकिन नील नदी के युद्ध में हॉरेसियो नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों से वो हार गया। उसे हार का सामना करना पड़ा। 18 व्यूमियर का तख्ता पलट, ये 1799 की घटना है। इस घटना में नेपोलियन एक ऐसे समूह का हिस्सा था जिसने फ्रांसीसी निर्देशिका को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका और निर्देशिका को 3 सदस्यीय वाणिज्य दूतावास के साथ परिवर्तित कर दिया गया था। नेपोलियन पहला कौंसिल वाणिज्य दूत बन गया, जिससे वह फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभरा। फिर आप देखेंगे मरेंगो की लड़ाई हुई, ये आप देखेंगे 1800 के बीच हुई, 1800 में, और नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के स्थायी शत्रुओं में से एक ऑस्ट्रिया को हराया, उसे इटली से बाहर कर दिया। और इस जीत से जीत ने नेपोलियन की शक्ति को प्रथम वाणिज्य दूत के रूप में स्थापित करने में मदद की। और इसके बाद आप देखेंगे 1802 में ब्रिटिश और फ्रांस ने युद्ध को समाप्त करते हुए अमींस की संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इस शांति की समावधि केवल 1 साल की थी। उसके बाद फिर से कुछ युद्ध होने लगते हैं। अगर हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल की बात करें, तो नेपोलियन से संबंधित युद्ध ये 1803 से लेकर 1815 तक फ्रांस नेपोलियन से संबंधित युद्धों में लगा हुआ था, जो कि यूरोपीय देशों के विभिन्न गठबंधों के साथ प्रमुख संघर्ष की एक श्रृंखला है। फिर आप देखेंगे लुइसियाना खरीद, वर्ष 1803 में आंशिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए धन जुटाने के साधन के रूप में नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस के लुइसियाना क्षेत्र को नए स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को 15 मिलियन डॉलर में बेच दिया, और इस लेन देन के बाद में लुइसियाना खरीद के रूप में जाना जाने लगा। एक आप सुनते हैं टेफेलेगर की लड़ाई, ये अक्टूबर 1805 में अंग्रेजों ने टेफेलेगर की लड़ाई में नेपोलियन के बेड़े का सफाया कर दिया। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में नेपोलियन ने वह प्राप्त किया जो ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी जीत में से एक माना जाता है, और उसकी सेना ने ऑस्ट्रेलियाई रूसियों को हराया, किसने, नेपोलियन की। और जीत के परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और राइन परिसंघ का निर्माण हुआ। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए अगर सुधारों की हम लोग बात करें, तो इसमें आप देखेंगे नेपोलियन संहिता, 21 मार्च 1804 को नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता की स्थापना की, जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में भी आप लोग जानते हैं, और जिससे कुछ हिस्से आज भी दुनिया भर में उपयोग में है। और इसमें जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की मनाही, धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी, और कहा कि सरकारी नौकरी सबसे योग्य लोगों को दी जानी चाहिए। एक तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जन्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप अपने संविधान को भाग 3 को पढ़ते होंगे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे, तो इसमें भी कहा गया कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की मनाही की गई। फिर
यानी कि आपका जन्म किसी बड़े घर में हुआ है तो आपको अच्छी सुविधाएं, एक तरह से विशेष अधिकार मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसने कहा। धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी गई। आप भी देखते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में आपको धर्म की मानने की स्वतंत्रता भी दी गई है। और कहा कि सरकारी नौकरी सबसे योग्य लोगों को दी जानी चाहिए, यानी कि सबसे जो अच्छे हैं, आप कह सकते हैं प्रतियोगिता जो होती है, आपकी परीक्षा होती है, जो योग्य होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसी तरह की बात हो रही है। इसमें आपराधिक कोड, सैन्य कोड, नागरिक प्रक्रिया संहिता और वाणिज्यिक कोड भी शामिल थे। नेपोलियन संहिता ने नेपोलियन के एक नए संविधान का पालन किया और जिसने पहला काउंसिल बनाया। काउंसिल एक ऐसी स्थिति थी जो किसी तानाशाही शासन से कम नहीं थी। और फिर आप देखेंगे दास्ता और सामंतवाद की समाप्ति। नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए देश में दास्ता और सामंतवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया। दास प्रथा मध्यकालीन यूरोप में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें एक काश्तकार किसान भूमि के वंशानुगत भूखंड और अपने जमींदारों की इच्छा से बंधा हुआ था। हमारे देश में भी तो आप देखते हैं कि दास प्रथा लंबे समय से चली आई, कई क्षेत्रों में तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी, उसी की बात कर रहे हैं। सामंतवाद 10वीं से 13वीं शताब्दी की यूरोपीय मध्ययुगीन समाज की व्यवस्था थी और जहां स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण और इकाइयों जागों में भूमि के वितरण के आधार पर एक सामाजिक पदानुक्रम स्थापित किया जाता था। और अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो नेपोलियन ने स्कूलों को की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना की जिसे लाइसी कहा जाता है, जो अभी भी उपयोग में है, और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्तावक था नेपोलियन। अब बात आती है नेपोलियन के पतन की, कि अगर आपका उत्थान होता है तो पतन भी निश्चित है। तो महाद्वीपीय प्रणाली या ब्रिटिश वाणिज्य एवं व्यापार को समाप्त करके ग्रेट ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा डिजाइन की गई नाकाबंदी थी और यह काफी हद तक अप्रभावी साबित हुई और अंततः नेपोलियन का पतन का कारण बनती है। फिर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय युद्ध, ये 1807 से लेकर 1814 के बीच हुए। यह नेपोलियन के सैन्य अभियानों के दौरान एबेरियन प्रायद्वीप के नियंत्रण के लिए फ्रांस की आक्रमणकारी नीति के खिलाफ स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल द्वारा लड़ा गया सैन्य संघर्ष था। फिर आप देखेंगे रूस का आक्रमण। नेपोलियन ने यूनाइटेड किंगडम पर शांति स्थापित करने के लिए दबाव बनाने को ब्रिटिश व्यापारियों के साथ व्यापार बंद करने हेतु रूस के जार अलेक्जेंडर को गुप्त रूप से मजबूर किया। फिर आप देखेंगे 1812 में रूस के विनाशकारी आक्रमण के बाद फ्रांसीसी प्रभुत्व की तेजी से पतन हुआ और वर्ष 1812 में कई कारणों के चलते नेपोलियन रूस पर विजय प्राप्त करने में विफल होता है, असफल होता है। और जैसे दोषपूर्ण रसद, खराब अनुशासन, बीमारी और प्रतिकूल मौसम, इसके हार के ये सभी कारण बने उस समय। और वर्ष 1814 में नेपोलियन को पराजित कर, यानी कि ये हार जाता है और एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है। और इस प्रकार अंततः 1815 में आप देखेंगे वाटरलू के युद्ध में वह फिर से पराजित हो जाता है और इसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी है आपके नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है।